दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में स्टूजीरोन प्लस टेबलेट के बारे में। भाई क्या है, कौन सी बीमारी चलती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए स्टूजीरोन एक ब्रांड नेम है जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का, ठीक है। ये 3 स्ट्रेंथ में आती है, 25 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम जो फोल्ट के नाम से आती है। एक आती है दोस्तों स्टूजीरोन प्लस, प्लस में दोस्तों 2 कंटेंट डाले गए हैं। पहला है सिनारिजिन 20 मिलीग्राम, दूसरा है डाईमेन हाइड्रीनेट 40 मिलीग्राम। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं करना है। बात करें कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड के बारे में, कई बार इस नाम से नहीं मिलती तो आप ले सकते हैं जेमवर्ट, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का आता है। वर्टिगोन डी आती है जीनो कंपनी का, ये भी ले सकते हैं। डिजिटेक आती है दोस्तों सनफार्म कंपनी की, स्पाइन फ्री आती है इंटास कंपनी की। ये सभी पॉपुलर ब्रांड है, कोई ना कोई नज़दीकी दवाई की दुकान पर मिल जाता है, लेकिन तभी लेना है जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करें यूज के बारे में, भाई कहाँ यूज होती है, तो दोस्तों कई बार व्यक्ति को चक्कर से जुड़ी समस्या हो जाती है, चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा सर घूमता है, उठते बैठते सर घूमता है, साथ ही साथ चक्कर के साथ साथ वोमिटिंग होती है, ठीक है, सर भारी रहता है, तो वहाँ पर ये काम करती है, चक्कर को रोक कर काम करती है, रोकथाम करती है। अब चक्कर काफ़ी प्रॉब्लम की वजह से आ सकते हैं, जैसे कि मोशन सिकनेस, व्यक्ति जब ट्रेवलिंग करता है तो उल्टी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, चक्कर आते हैं, तो वहाँ पर भी काम करती है। मिनेरो डिजीज, एक ENT से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, कान के अंदर एक्चुअली जो तरल पदार्थ होते हैं उसका दबाव बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, ब्लड फ्लो कम हो सकता है, सुनने में दिक्कत हो सकती है और घू घू की आवाज़ आने लगती है, तो वहाँ पर ENT स्पेशलिस्ट भी देते हैं इस टेबलेट को। ENT की प्रॉब्लम है तो ENT भी दे सकते हैं, ठीक है, और कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि इन्हीं प्रॉब्लम में काम आए, लेकिन ज़्यादातर ये चक्कर से जुड़ी प्रॉब्लम देते हैं। बात करें भाई मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों कई बार बॉडी के अंदर हिस्टामिन नाम का एक रसायन बन जाता है। एक्चुअली होता है क्या है कि जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, वो वायरस से लड़ते लड़ते अपोजिट में इसे गलती से बना देता है, जो कि कारण बनता है इन डिजीज का, मोशन सिकनेस का, या चक्कर आने का, या कुछ और प्रॉब्लम भी कर सकता है। एलर्जिक, इसको सोल्ट कहते हैं, एलर्जी करता है, तो ये दोनों ही एंटी हिस्टामिन कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही सोल्ट। लेकिन दोस्तों डाईमेन हाइड्रीनेट, ये एक्चुअली एसिटाइल कोलाइन के नामक एक रसायन को भी रोकने से बनता है, जो उल्टी का कारण बनता है, उल्टी जब होगी तो इस कारण हो सकती है, तो इसलिए ये उल्टी में भी काम करती है, इस तरीके से काम करती है। बात करें भाई डोज क्या होती है, तो देखिए अगर प्लस की बात करें तो आप दिन में 2 ले सकते हैं मैक्सिमम, वैसे तो एक टेबलेट से आराम आ जाता है, लेकिन अगर 4-5 घंटे बाद वापस ये दिक्कत होने लगे, चक्कर आने लगे, तो आप एक टेबलेट और ले सकते हैं। ऐसा करते करते आप पूरे दिन में 2 ले सकते हैं। ये सब कुछ डॉक्टर बता देता है बॉडी वेट के हिसाब से, साथ में ये भी देखा जाता है कि और कौन सी मेडिसिन साथ में चल रही है। बात करें साइड इफेक्ट क्या करती है, तो देखिए थोड़े बहुत हो सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन है, साइड इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नींद आने में दिक्कत होना, इनडाइजेशन रहना, कब्ज बनना, या वोमिटिंग की शिकायत होना, कई बार देखा गया कि चक्कर ज़्यादा भी आ सकते हैं लेने से, तो ये भी देखा गया है, लेकिन ये सब रेयर है, हर किसी को नहीं होते, घबराने की बात नहीं है। दोस्तों सावधानी इसकी यही है कि गाड़ी चलाते समय डोज नहीं लेनी चाहिए, अगर चक्कर आ रहे हैं तो वो गाड़ी ही नहीं चलानी चाहिए आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एल्कोहल अगर यूज कर रहे हो तो डोज नहीं लेना है, थोड़ा अंतर रखिएगा। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में कोई महिला है तो यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के कहने पर सेल्फ यूज़ नहीं करना है उस कंडीशन में, ठीक है। तो संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, कुछ भी समझ में आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं हो तो। मिलते हैं वीडियो में।